ग्राम फतेरा में बालाघाट लामटा मार्ग को उस समय बंद कर चक्का जाम कर दिया गया जब रेत की रॉयल्टी कटे वाहन चालक को कुछ लोगों के द्वारा मारपीट कर रॉयल्टी लिए बिना ही रेत का परिवहन करने की बात कही गई और उसके साथ मारपीट की गई। तब ग्राम भटेरा के आक्रोशित ग्रामीण व रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर चालक के द्वारा गुस्से में आकर दोपहर 12 बजे मार्ग को बाधित करते हुए बालाघाट लामता मार्ग पर रेत डालकर रोड को बंद कर दिया गया और वाहनों के आवागमन को बाधित भी किया गया। वहीं इसकी जानकारी जब पुलिस को लगी तो उनके द्वारा मौके पर पहुँच कर किए गए चक्का जाम को सुचारू रूप से शुरू किया गया। आपको बता दें कि 24 मार्च को ग्राम भटेरा में एक ट्रैक्टर चालक के द्वारा रॉयल्टी लेकर रेत का परिवहन किया जा रहा था, किंतु रेत की एजेंसी के कुछ सदस्यों के द्वारा वाहन चालक को बिना रॉयल्टी के रेत परिवहन कर रहा है कहकर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत करने वाहन चालक कोतवाली थाने पहुंचा था, किंतु कोतवाली में भी उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद वह वापस ग्राम भटेरा पहुंचा और कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने ग्राम भटेरा में बालाघाट लामता मार्ग को बाधित करते हुए रोड पर रेत डालते हुए मार्ग को बंद कर दिया और ग्रामीणों ने भी उसका साथ देते हुए मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। यह जाम लगभग आधा घंटा तक चलता रहा जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, किंतु जैसे इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को लगी वैसे ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और चक्का जाम किए गए ग्रामीण को समझाइश देकर वहां खड़े आसपास के लोगों को मार्ग से हटाते हुए चक्का जाम को खत्म किया गया और मार्ग पर डाली गई रेत को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया, जिससे थाना कोतवाली प्रभारी प्रकाश वास्कल के द्वारा ग्राम के सरपंच को समझाइश दी गई। इस प्रकार से वह मार्ग को बिना अनुमति के बंद नहीं कर सकते और यदि इस प्रकार ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है तो मार्ग को बाधित करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई और वहीं कुछ लोगों ने पुलिस के इस प्रकार के विरोध पर आपत्ति भी जाहिर की, जिस पर पुलिस के द्वारा कुछ युवकों को थाना कोतवाली लाकर बिठाया भी गया है और घटना का मूल कारण पुलिस को स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिरकार इस पूरे घटना की वजह क्या थी, किसके द्वारा मार्ग पर रेत डाला गया। वहीं पुलिस के द्वारा लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा भी मार्ग पर रेत डाली गई है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिना सूचना के जो जाम किया गया था उसमें जो जो भी लोग सम्मिलित होंगे उन्हें पहचान कर उन पर मामला कायम किया जाएगा। दिखा लो।